हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि RC22 गेम का न्यू अपडेट कब तक आने वाला है। काफ़ी टाइम हो चुका है इसका कोई भी अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिला, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली का अपडेट कब तक आएगा, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, क्या स्क्वाड अपडेट होंगे, क्या न्यू स्टेडियम आएंगे नहीं आएंगे, सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो मन तक बने रहेगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला जो फीचर इसके इस अपडेट के अंदर आ सकता है वो है यहां पर स्क्वाड अपडेट, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है और उसके अंदर जो टेस्ट मैच की सीरीज उसके अंदर जो कि स्क्वाड अपडेट होगी, लाइक यशस्वी जायसवाल नहीं है टीम के यहाँ पर स्क्वाड के अंदर, तो उसको ऐड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे सीरीज भी चल रही है तो उसकी भी यहाँ पर स्क्वाड अपडेट होना बाकी है। बेन डकेट नहीं है इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर तो उसको यहाँ पे अपडेट किया जाने वाला है, एंड बाकी जो भी टीमों की यहाँ पर स्क्वाड अपडेट होना बाकी है उसको अपडेट किया जाने वाला है, यानी कि स्क्वाड अपडेट आपको देखने को मिल सकता है इस अपडेट के अंदर। अगला जो फीचर है वो है टीम इंडिया की न्यू जर्सी। अब देखिए टीम इंडिया की न्यू जर्सी लॉन्च हो चुकी है एंड यहाँ पर टेस्ट मैच की जर्सी आपको देखने को मिल ही गई है कि कैसी होने वाली है, कैसी क्या है, क्योंकि आपने वेस्ट इंडीज और इंडिया का पहला टेस्ट मैच देखा होगा तो जर्सी चेंज देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा T20 ODI वाली जर्सी भी चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये इस अपडेट के अंदर हो सकता है कि जर्सी अपडेट तो ना आए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो ODI और T20 की अच्छी तरह से पैटर्न वगैरह पता नहीं चला है कंपनी को। तो जब तक यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो जर्सी वाला फीचर वो एशिया कप के टाइम पर आएगा, तो एशिया कप जो है वो 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर उस टाइम पर हो सकता है कि जर्सी का अपडेट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो जर्सी अपडेट वाला फीचर मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा, वो एशिया कप के टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है जर्सी अपडेट का फीचर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स की यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि क्या हमें जो नया सीजन भी देखने को मिलेगा मल्टीप्लेयर का या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर मल्टीप्लेयर का सीजन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं, मेरी जो एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अभी मल्टीप्लेयर का न्यू सीजन नहीं आने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी इनका जो टूर्नामेंट है वो चल रहा है, लाइक आप सभी को पता है GEPL इनका एक टूर्नामेंट जो कि चल रहा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो कोई भी नया सीजन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, यानी कि इस अपडेट के अंदर कोई भी नया सीजन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है कि यहाँ पर इस नया सीजन मल्टीप्लेयर का आएगा या फिर नहीं आएगा, तो जी नहीं, अभी मल्टीप्लेयर का कोई भी नया सीजन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इस अपडेट के अंदर। एंड रही बात अपडेट की अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो इसका जो लास्ट अपडेट आया था वो भी ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं था, जो भी गेम के अंदर बग्स वगैरह थे वो सारे फिक्स किए गए थे, इसके अलावा कोई भी नया फीचर आपको देखने को नहीं मिला था। तो इस अपडेट के अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको स्क्वाड अपडेट, मैंने जैसे बोला कि स्क्वाड अपडेट हो सकते हैं, तो ये जो अपडेट है थोड़ा सा हटके हो सकता है, यहाँ पर थोड़े से नए फीचर्स भी आ सकते हैं। न्यू स्टेडियम की बात है तो न्यू स्टेडियम अभी मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई भी नया स्टेडियम आपको देखने को मिले। एशिया कप के टाइम पर हो सकता है कि श्रीलंका के स्टेडियम आपको देखने को मिले और पाकिस्तान का कराची का स्टेडियम भी आ सकता है, बाकी श्रीलंका के, क्योंकि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में भी होने वाला है, पाकिस्तान में भी होने वाला है, तो हो सकता है कि श्रीलंका के अभी तक स्टेडियम नहीं है गेम के अंदर, तो श्रीलंका का स्टेडियम आपको देखने को मिल सकता है, वो एशिया कप के टाइम पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस अपडेट के अंदर कोई भी नया स्टेडियम मुझे जो फिलहाल है वो देखने को नहीं मिलने वाला है मेरी तरफ से, मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी अपडेट की बात रही तो अपडेट आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा इस मंथ में, हो सकता है कि आ भी जाए, हो सकता है 25 जुलाई तक आपको ये जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है थोड़ा अपडेट जो है वो डिले भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि अपडेट कब तक आ जाए, तो बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल रहे डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।